बच्चों, इंग्लिश में आपको मैडम ने ये लेसन पढ़ाया था, 12 द आंट एंड द क्रॉस ऊपर, चींटी और एक घास का कीड़ा, इसके बारे में बताया था। इसमें आज हम आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस। द स्टोरी इज अबाउट, जो स्टोरी है किसके ऊपर है, एन आंट एंड ए ग्रास ऊपर, ए ग्रास ऊपर एंड क्रो एंड आंट एंड ए बी, तो ये किस पे है, आंट और ग्रास ऊपर पे है, तो इस पे टिक लगाएंगे। नंबर टू, ग्रास ऊपर वाज लेजी एंड द आंट वाज एक्टिव। जो ग्रास ऊपर था वो कैसा था, लेजी था और आंट एक्टिव थी। ए लेजी सिली, ए बिल्ली, ए सिली, बी सिली एंड लेजी, सी लेजी एंड एक्टिव। तो ग्रास ऊपर तो था वो लेजी था और आंट जो थी वो एक्टिव थी, चुस्त थी। नंबर थ्री, ग्रास ऊपर वास एंड ड्यूरिंग द विंटर्स, जो ग्रास ऊपर था विंटर में कैसा था, सैड एंड स्लीपी, बी सैड एंड हंग्री, सी हंग्री एंड स्लीपी। तो वो कैसा था, सैड और हंग्री, क्योंकि वो ग्रास ऊपर जो था वो उदास था और हंग्री था, क्योंकि विंटर में उसके पास फूड नहीं था खाने को। बी राइट येस और नो, द आंट एंड ग्रास ऊपर वर प्लेइंग टूगेदर, वो दोनों खेलते थे, नो। द सन वॉज स्माइलिंग इन द स्काई, येस, जो सन था आकाश में था। एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो ड्यूरिंग द विंटर्स, विंटर में हर एक चीज बर्फ से ढकी थी, यस। नंबर फोर, द आंट गेव ग्रास ऊपर फूड टू ईट, आंट ने ग्रास ऊपर को फूड दिया खाने को, नो, नहीं दिया था। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज द ग्रास ऊपर डूइंग, ग्रास ऊपर क्या करता था, द ग्रास ऊपर वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, वो क्या करता था, पेड़ के नीचे सो रहा था। टू, व्हाई वाज द आंट कैरिंग फूड, तो आंट जो थी वो फूड, जो भोजन क्यों इकट्ठा कर रही थी, लेके जा रही थी, द आंट वाज कैरिंग फूड फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए वो भोजन इकट्ठा कर रही थी। तो ओके बच्चों, ये आपने बुक में करना भी है और लर्न भी करना है।